हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरी शेयर में। सो गाइस, इतनी उथल पुथल में आज दो ऐसी कंपनियां हैं जिसमें आपको उसके बारे में थोड़ा सा पता होना ही चाहिए। और वैसे ही एक कंपनी है जो शोर से आपको सारा सुना ही होगा, जिसका नाम है वारी रिन्यूअल। वारी रिन्यूअल में लोअर सर्किल लग गया गाइस 5% का, ठीक है। कभी बीच हाल फिलहाल में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी पिछले एक महीने के अंदर, 16% तक गिर चुका है ये स्टॉक। और 6 महीने में आप देख सकते हो 716% का रिटर्न दिया, मतलब लोगों का पैसा कितना डबल करा है इस वारी रिन्यूअल ने, है ना, आप सोच भी नहीं सकते। और इतनी ऑब्जेक्शंस भी इसके अंदर देखने को मिली थी गाइस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में इक्विटी निवेशकों को काफ़ी फायदा हुआ है, एंड इस दौरान बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स भी कल के दिन काफ़ी अच्छा ग्रो करके दिखाया, कि सेंसेक्स भी काफ़ी अच्छा चला। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो BSE स्मॉल कैप, इसमें भी काफ़ी एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, 185% 216% तक की बढ़त थी, ठीक है। वहीं आज मार्केट ने अपना उल्टा रुख दिखा दिया, वोट के रिजल्ट आज के दिन आने वाले, तो मार्केट बहुत तगड़ा गिर चुका है गाइस। देखिए, इसी अवधि के दौरान कम से कम 1300 ऐसे हैं जो कि 10,000% तक से भी अधिक बढ़ चुके हैं। एंड इसके अंदर सोलर एनर्जी वाली कंपनी हमारी वाई रिन्यूएबल आती है। एंड इस शेयर ने पिछले 5 सालों में अगर आप देखोगे ना, लोगों का पैसा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, 73,000% तक, मतलब पाँच साल में करा है इस, कुछ ऐसा वैसा भी नहीं है। अगर आप देखो कहाँ ये 3 रुपये पे था 2019 में, एंड देन आपको 2000 रेंज में जाता हुआ देखने को मिला। मैक्सिमम देखोगे तो 84,000% तक का रिटर्न देखने को मिलता है गाइस। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के शेयर 7 जून 2019 में 3.24 रुपये पे ट्रेड कर रहे थे, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। एंड वहीं आज के दिन आप देख रहे हो 2387 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं गाइस। मोदी का सरकार के दूसरे कार्यकाल में इसने अपने निवेशकों को 77,450 का तगड़ा रिटर्न दिया, यानी कि आप कह सकते हो कि इन्वेस्टरों ने इस शेयर में मोदी के दूसरे कार्यकाल के समय 1,00,000 रुपए लगाए होंगे, तो उनका 8 करोड़ रुपए का मुनाफा उनको हुआ होगा गाइस। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के शेयर पिछले कई सेंस से लगातार चढ़ रहे हैं, एंड कल के दिन भी इसमें एक तरीके से आप कह लीजिए, जहाँ आज के दिन 5% का लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, तो कल के दिन इसके अंदर 5% का अपर सर्किट लगा हुआ था। पिछले 5 कारोबारी दिन में भी गाइस इस शेयर कम से कम 21% तक चढ़ चुका था, जो कि अभी आपको इसमें आप देख रहे हो 10% की ही तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि गिरावट आएगा इस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली जाता है। 6 मंथ में 360% तक का रिटर्न दिया था, थोड़ा सा करेक्शन की वजह से 316% देखने को मिल रहा है। एंड अगर एक साल की बात की जाए तो एक साल के अंदर देखिए 1100% का, मतलब नियर अबाउट 1200% तक इसने रिटर्न दिया था कंपनी ने गाइस। वारी रिन्यूएबल स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है स्टिल, अभी जिस तरीके से इसमें आज के दिन लोअर सर्किट लग गया, काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस का आपको देखने को मिल रहा है, तो आप अभी भी इसके बारे में थोड़ा सा थॉट बनाकर चल सकते हो। सर, बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, जो कि है येस बैंक। गाइस, येस बैंक का क्या हाल है, अगर आगे क्या होगा इसका, इस पर बहुत सी सोच विचार करना पड़ जाता है, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी डूबी है एक तरीके से ऊपर जाकर, मतलब कहाँ अपना 300 तो सीधा अब आपको 2200 रुपये पे देखने को मिल रही है। आप देखोगे ना कितना 94% डाउन है, मतलब 94% डाउन है, जो 94% डाउन होते हैं उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है गाइज। आज के दिन वैसे तो अभी 7% की आप देख रहे थे ना गिरावट, 5.5% की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल चल रहा है आज के दिन गाइज। कल का दिन ये 24.40 रुपये के आसपास पे खुला था, मतलब 23 रुपये पे देखने को मिला, हल्का फुल्का आप कह लीजिए, ठीक है। वहीं ये जब क्लोज हुआ 23.55 रुपये पे क्लोज हुआ, और आज के दिन वही गिरावट के दौर पे 22.20 रुपये पे देखने को मिल रहे हैं गैस। मैं आपको बता दूं कि शेयर का ट्रेड फिलहाल ऊपर ही लगा हुआ है, एंड शेयर एक रेंज में चल रहा है, एंड इसकी पहले रेंज 15 रुपये से 25 रुपये के बीच में थी, वहीं अब ये रेंज रुपये में, मतलब 25 से लेकर 32 के रुपये भी जा सकता है। अभी तो ये 15 से 25 के बीच में फिर से अगेन आ चुका है, लेकिन जैसे ही 25 पार करेगा तब आपको 25 से 32 के बीच में इसका एक प्राइस देखने को मिल सकता है। मौजूदा स्ट्रक्चर को देखकर यही लगता है कि शेयर 32 रुपये का टारगेट फिर हासिल कर लेगा, ठीक है, जो उसका हाई है ना 52 वीक का 32 रुपीज़, एंड इसलिए 21 रुपये का स्टॉप लॉस आपको लगाना लेकर चल सकते हो। येस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO प्रशांत कुमार ने बताया कि इंटरव्यू में अपनी रणनीतियों के बारे में उन्होंने कहा है कि जब भारतीय स्टेट बैंक आगे आकर हमारा प्रमुख इन्वेस्टर बना, तो इससे डिपॉजिटर्स का काफ़ी भरोसा बढ़ा,
प्रशांत कुमार ने कहा कि हमने बैड लोन की रिकवरी शुरू कर दी है एंड अगर आप पिछले 4 सालों को देखेंगे तो हर साल हमने 5,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की रिकवरी की है। तो गाइज ये तो इस बारे में एक रिपोर्ट थी यस बैंक के बारे में, तो वारी रिन्यूबल और यस बैंक थोड़ा सा आप इसको रिडा लेवल पे लेकर चल सकते हैं। एंड एज ऑलवेज आई सेड चैनल पर नहीं हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खुद से स्टडी करिएगा चेक करिएगा देन तभी इन्वेस्टर को चलिए। गुड बाय, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।